अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में बहुत ज़बरदस्त सी ब्लीच आई हुई है जिसका नेम है पार्ले गोल्ड क्रीम ब्लीच, और इसके रिव्यू अक्सर आप लोग देखते रहते होंगे इंटरनेट पर। सो मैंने सोचा कि ना मैं भी ट्राई करूँ। सो फ्रेंड्स, ट्राई करते हैं, बट ट्राई करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ बताते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है पार्ले की गोल्ड क्रीम ग्लीम क्रीम ब्लीच, और इसका तरीका इस्तेमाल है डायरेक्ट ऑफ यूसेज है। फर्स्ट स्टेप है इसका, आपने फेस वॉश करना है अच्छे से और पैड ड्राई करना है। सेकंड स्टेप इसका ये है कि आपने 3.1 के रेशो से इसको अप्लाई करना है अपने फेस पर। देन फ्रेंड्स, आपने 15 मिनट्स बाद जो है अपने फेस को वॉश कर लेना है कोल्ड वाटर से। और फ्रेंड्स, ये सूटेबल है फॉर ऑल स्किन टाइप्स, और ये ब्लीच जो है ये 15 डेज तक आपके फेस पर रहती है। उसके 15 डेज बाद जो है आप लोग दोबारा से ब्लीच कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन जो है वो ग्लो करने लगती है और फिर फेयर भी हो जाती है। और इसके अंदर जो 24 गोल्ड ऑक्सीडेंट हैं वो चेहरों को झुर्रियों और छाइयों से बचाते हैं और नर्म मुलायम स्किन कर देते हैं। आप अपने फेस पर और हैंड्स पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने गोल्डन हेयर करने के लिए, और आपकी रंगत जो है इससे गोरी हो जाएगी। मतलब इसमें लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके अंदर है क्रीम ब्लीच का ये साशे है, और इसके अंदर एक और साशे भी है और वो इसका एक्टिवेटर है। सो फ्रेंड्स, आप इसको यूज़ करके आपको इसके तरीका इस्तेमाल बता दूँगी आप किस तरीके से इसको बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने एक बाउल लेना है और एक ब्लीच का एक ब्रश आता है ये, इसके अंदर थोड़ा सा हार्ड होता है ये। सो ये बहुत अच्छे से पतला होता है ये आगे से, तो अच्छे से ब्लीच जो है वो अप्लाई हो जाती है और मिक्स भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपने ये वाला ब्रश ले लेना है, और फ्रेंड्स अगर ब्रश ना भी हो तो आप स्पून से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। सो हमने अपनी ब्लीच जो है वो निकाली है। अब इसके 4 हम पोर्शन करेंगे, और एक पोर्शन जो है मतलब 1/4 जो है हमने इसमें ब्लीच पाउडर जो एक्टिवेटर ऐड करना है वो आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमने इसके 4 पोर्शन जो हैं वो कर लिए हैं, और इसका 1 पोर्शन जो है हमने एक्टिवेटर में ऐड करना है। तो इस तरह से आप लोग, आपको जैसे आइडिया नहीं होगा तो आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, मैंने बहुत इजी करके आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग भी घर पे इस्तेमाल कर सकें। और वैसे मैं तो नॉर्मली ऐसे डाल देती हूँ, मुझे आइडिया है, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है। फोर्थ जो है हमने एक्टिवेटर इसमें ऐड किया है, और अब इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप पाउडर थोड़ा कम भी ले सकते हैं इससे, और अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। और ये 3-4 स्किन पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ये इतनी ज़्यादा मतलब स्मूथ है ये ब्लीच जो है। अच्छे से आप लोग 3 फेस पर तो आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ अपने नहीं यूज़ करनी तो आप इसको फेस पर, नेक पर, हैंड्स पर और लेग्स पे भी आप अपने अप्लाई कर सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं ब्लीच जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई है, और अब हम इसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे और इसके रिज़ल्ट मैं आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, आपने ब्लीच को अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है, और 15 मिनट्स तक आपने वेट करना है, और फिर ठंडे पानी से आपने वॉश कर लेना है फेस को। फ्रेंड्स, इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त लगे मुझे ब्लीच के, आप लोग ज़रूर यूज़ करें। और अगर सेंसिटिव स्किन है तो आपने मकदार जो है पाउडर की वो कम से कम लेनी है। और फ्रेंड्स, इसको यूज़ करने के बाद थोड़ा सा रेड रेड भी आपको फील होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद सेट हो जाएगा वो, और कोल्ड वाटर से जो है आपने वॉश कर लेना है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सो नौशीशी को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।